गलत समय या गलत तरीके से दूध पीना सेहत के लिए हो सकता है हानिकारक। ये है दूध पीने के कुछ बड़े नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है, इसीलिए छोटे बच्चों के अलावा वयस्कों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी बेहतरीन फूड माना जाता है। वहीं शाकाहारियों के लिए प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही दूध में हेल्दी फैट्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं, इसलिए दूध पीने से शरीर का नरिशमेंट होता है और इससे शरीर की कार्य प्रणालियां भी बेहतर तरीके से काम करती हैं। दूध पीने से हड्डियां मजबूत बनती हैं, बालों की हेल्थ सुधरती है और नाखूनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन दूध पीने के कई नुकसान भी हो सकते हैं। दूध पीने के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहला है, लीवर की समस्याएं बढ़ सकती हैं। लीवर की परेशानियों में दूध के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दूध पचाना मुश्किल हो सकता है। दूध पीने से लीवर की सूजन बढ़ सकती है, इसलिए फैटी लीवर डिजीज के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसी तरह फ्राई बाइट्स की परेशानी भी बढ़ सकती है। अगला है डायरिया। कच्चे दूध का सेवन करने से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल कच्चे दूध में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए दूध को पकाकर ही पीने की सलाह दी जाती है। कच्चा दूध पीने से डायरिया या उल्टी जैसी परेशानी हो सकती है। अगला है डाइजेस्टिव इश्यूज। दूध पीने का एक सबसे बड़ा नुकसान डाइजेस्टिव बिगड़ना भी है। दूध पीने से पेट फूल सकता है और अपच जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। जिन लोगों को अक्सर पेट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, उन्हें दूध पीने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे लोग अपनी परेशानी पर ध्यान दें और कब और किन स्थितियों में दूध पीना चाहिए यह जरूर समझें। जैसे कई लोगों को खाली पेट दूध पीने से पेट फूलने या एसिडिटी की शिकायत होती है, वहीं कुछ लोगों को कच्चा दूध पीने से दिक्कत होती है। अपनी स्थिति और डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही दूध का सेवन करना चाहिए। अगला है पिंपल्स। दूध में मौजूद लैक्टोज के कारण कई बार स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक्ने और पिंपल्स की समस्याएं दूध पीने से गंभीर हो सकती हैं। कई बार ये समस्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ती है। कि सलाह के अनुसार ही दूध का सेवन करना चाहिए। अगला है पिंपल्स। दूध में मौजूद लैक्टोज के कारण कई बार स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक्ने और पिंपल्स की समस्याएं दूध पीने से गंभीर हो सकती हैं। कई बार ये समस्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ती है।